नमस्कार दोस्तों, चाइना इस समय दुनिया के पावरफुल देशों में से एक है। आज से लगभग 40 साल पहले इस देश में पावर्टी 90% से ज्यादा थी। गरीबी और भूखमरी ने पूरे देश का बुरा हाल कर दिया था, लेकिन फिर भी अगले 30 साल में इतना भयंकर परिवर्तन देखने को मिला कि यह देश कहां से कहां पहुंच गया। सन 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 2% भागीदारी था। आज के दिन चाइना ग्लोबल जीडीपी में 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। इसका पावर्टी रेट अब 1% से भी कम है और चाइना अब दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका का है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? कौन सा जादू किया चाइना ने? आइए आज एक डिटेल्ड केस स्टडी करते हैं चाइना के ऊपर। चाइना देश का नाम आता है दोस्तों चाइनीज शब्द चीन से, जिसे लिखा QIN करके जाता है, लेकिन बोला जाता है चीन। चीन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से करीब 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था। यही कारण है कि हम लोग चाइनीज को चीनी करके पुकारते हैं। यहाँ एक मजेदार बात आती है। माना जाता है इंडिया में चीनी एक चाइनीज आदमी लेकर आया था या शुगर मिल खोली थी। उससे पहले हम लोग गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। चीन का व्यक्ति हमारे यहाँ चीनी लेकर आया था, इसीलिए हम चीनी कहकर पुकारते हैं। अपने साइंस के चलते चाइना एक ताकतवर किंगडम बना हुआ था 19th century में। हालांकि ब्रिटिश राज ने कभी पूरी तरह से चाइना पर कब्जा नहीं जमाया था, जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा जमाया था, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया था। यही कारण है कि 1839 से 1949 तक के पीरियड को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलाइजेशन बुलाया जाता है। चाइनीज के द्वारा इसकी शुरुआत होती है 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर अफीम की बौछार करता है। अफीम एक ड्रग्स है जिससे चाइनीज लोग बुरी तरह अफीम के आदी हो जाते हैं और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। चाइना से ब्रिटिश लोग जबरदस्ती जमीन जायदाद फोर्ट पर कब्जा कर लिए थे। 1850 में एक सिविल वार होती है चाइना में टाइपिंग रेबेलियन नाम से, लाखों लोग मारे जाते हैं। 1937 से 1945 के बीच बहुत भयानक अत्याचार सहना पड़ता है चाइनीज लोगों को जापानीज कोलोनाइजर के हाथों। इस वर्ल्ड वार में लगभग 30 मिलियन चाइनीज लोग मारे जाते हैं और चाइना जापानीज से वर्ल्ड वार जीत जाता है। इसके बाद चाइना में एक सिविल वार शुरू हो जाती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच में। ये सिविल वार खत्म होती है 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ। जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उनके लोग बगल के आइलैंड पर भाग जाते हैं, जिसे आज ताइवान देश के नाम से जाना जाता है, और यहीं से 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की शुरुआत हुई है। किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपनी आय बढ़ाने के लिए। जमीन की ओनरशिप सरकार के पास थी। जो भी अनाज किसान उगाते थे उसे सरकार को देना पड़ता था। कुछ ही सालों में खराब मौसम के चलते और माओ की नीतियों के चलते हालात इतने खराब हो गए कि देश में भूखमरी आ गई। इतना भयंकर फैमिन आया 1959 से 1961 के बीच में कि 30 से 40 मिलियन लोग मारे गए। इसी इतिहास का वन ऑफ द डेडियस फैमिनी बताया जाता है। सीधा सीधा कहा जाता है कि माओ जेडोंग एक डिक्टेटर था। कई ऐसा फैसला लिया माओ ने जिससे चाइनीज की हालत और बद से बदतर हो गई। इस स्पैरो चिड़िया को मारने का अभियान चलाया गया क्योंकि ये चिड़िया खेत से अनाजों को खाती थी। कुछ साल बाद कीड़ों मकोड़ों की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिससे फसल और नुकसान होने लगा।
बाद में किसी साइंटिस्ट ने बताया कि जब चिड़िया को मार दोगे तो कीड़ों मकोड़ों को कौन खाएगा, जिससे कीड़े मकोड़े और बढ़ जाएंगे और पर्यावरण भी घातक हो जाएगा। माओ के समय में स्कूल कॉलेज शटडाउन कर दिया गया और कहा गया कि खेतों में जाकर किसानों से सीखो। माओ के खराब नीतियों के कारण लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए। माओ के समय में एजुकेशन और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने पर अधिक फोकस किया गया था। इसी समय एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी जिसकी मदद से करोड़ों लोगों को चाइना ने पावर्टी से बाहर निकाला। चाइना की सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में इन्वेस्टमेंट किया, जिन्हें स्टेम फील्ड कहा जाता है। इसी की मदद से देश में एक टैलेंट पूल तैयार हो गया जिससे शिक्षा को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया गया। 1950 में एक नया मैरिज लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज को पूरे देश भर में इलीगल बना दिया गया। औरतों को राइट टू डिवोर्स का अधिकार दे दिया गया और कई मायनों में औरतों को पुरुषों के बराबर लाने की कोशिश करी गई। माओ के जाने के बाद नए लीडर चाइना में आते हैं, डिंग जाओ ओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। यहाँ से असली प्रोग्रेस शुरू होता है चाइना का। डिंग जाओ बिंग की आइडियोलॉजी माओ से काफी अलग थी। डिंग का मानना था कि सरकार का हद से ज्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना का सत्यानाश हुआ है। डिंग जाओ इकोनॉमी को आजाद करना चाहते थे, इसीलिए अपनी पॉलिसी बनाया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। किसानों को सरकार जमीन लीज पर देती थी अपने मर्जी के फसल उगाने के लिए, लेकिन उत्पाद का कुछ प्रतिशत अनाज को सरकार को बेचना पड़ेगा और बाकी अनाज आप कहीं भी बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिंग जाओ ने यही आइडिया लगाया फैक्ट्रियों पर भी। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लगाया। पहले फैक्ट्री के सारे कंट्रोल सरकार के पास था, सरकार कंट्रोल करती थी, और डिंग जाओ ने फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर और वर्कर्स को देने का निर्णय लिया और वर्कर और मैनेजर को अधिकार दे दिया गया था। कितना सामान बनाना है, कैसे बनाना है, कितने दामों पर बेचना है, किसकी कितनी तनख्वाह होगी वर्कर की, किसको कितना तनख्वाह दिया जाना है, ये सब वर्कर और वहां के मैनेजर पर छोड़ दिया गया। वर्कर के अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आया और अकाउंटेबिलिटी आई कि हमारी फैक्ट्री है, हम चाहे तो इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। इन्हीं सब प्लान के चलते लाखों लोग गरीबी से बाहर आने लगे और लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। अगला सबसे बड़ा बदलाव था शिक्षा में क्रांति लाना, लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करना। इसी के चलते 1986 में एक अनिवार्य शिक्षा कानून लाया जाता है चाइना सरकार के द्वारा। 9 साल तक चाइना में हर बच्चे के लिए कंपलसरी एजुकेशन लागू किया जाता है। वहीं भारत से तुलना किया जाए अनिवार्य शिक्षा लाने के लिए, चाइना से कितने साल बाद 2009 में अनिवार्य शिक्षा लाया गया और चाइना सरकार ने एजुकेशन पर बहुत अधिक फोकस किया। सन 1982 में जो पैसा सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही थी जीडीपी का 2% कर रही थी और साल 2012 में 4% पहुंच गया था। अगर भारत में तुलना किया जाए तो लेटेस्ट फिगर के अनुसार 7 साल के दौरान 2.8% से 2.9% अपने जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। चाइना ने टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च एजुकेशन पर बहुत अधिक फोकस किया, लोगों को स्किल बनाया जॉब में जरूरत जो पड़ती है। जितने भी विकसित देश हैं सभी ने एजुकेशन पर बहुत अधिक फोकस किया, इसीलिए वो देश इतने विकसित हैं। इन्हीं सब के चलते चाइना में लिटरेसी रेट में कमाल का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। सन 1882 में 65% पर था और 2010 में 95% क्रॉस हो गया। इसके तुलना में इंडिया का लिटरेसी रेट अभी भी 77% पर है,
वहीं चाइना ने हेल्थ पर 2021 में अपने जीडीपी का 5.59% खर्च किया और इंडिया ने 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग 2.96% जीडीपी का खर्च किया। चाइना की अगली डेवलपिंग थी टीबीईएस, टाउनशिप विलेजेज इंटरप्राइसेस। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण एरिया में इकोनॉमिकल ग्रोथ लेकर आना। इसी तर्ज पर इंडिया में कोऑपरेटिव के तहत कृषि एवं डेयरी पर फोकस किया जाता है, वहीं चाइना में हर सेक्टर में फोकस किया जाता है। चाइना के बेंजो शहर के लोकल लोगों ने छोटे छोटे जूते बनाने की कंपनी इस्टेब्लिश किया। आज वह इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि यहाँ के बनाए गए जूता चाइना और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टीबीईएस टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कई सेक्टरों को विकसित किया है। 1990 आते आते टीबीईएस 100 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय कर रही थी। चाइना में करोड़ों जॉब इसकी वजह से जनरेट हुआ। यह तभी हो पाया जब लोग एजुकेट और स्किल्ड थे ये सब करने के लिए। सन 1980 में डिंग जाओ ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सेटअप करी चाइना के अंदर, जिसमें टैक्स इंसेंटिव दिए गए, ब्यूरोक्रेसी को और आसान बनाया गया, कम रेगुलेशन करी गई ताकि विदेशी कंपनी आ सके देश में और इन्वेस्टमेंट कर सके। जब बाहर की कंपनी देश में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी तो उन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर लोग एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं रहेंगे तो कोई कंपनी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। यहाँ पर लेबर सस्ता था, लोग स्किल्ड थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी, टीबीएस के चलते ऑलरेडी इन चीजों की एक्सपीरियंस थी लोगों को। शेंज़ेन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था चाइना में। यह शहर छोटा सा फिशिंग गांव था, कुछ ही सालों में देखते ही देखते एक मेजर इंटरनेशनल पॉलिस बन जाता है। 1980 में शेंज़ेन का जीडीपी 0.3 मिलियन डॉलर था, 2020 तक 429 बिलियन डॉलर हो गया। फॉरेन कंपनी को देश में आने के लिए ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई। चाइना की इकोनॉमी को दुनिया के सामने खोला गया, इसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। इसी के चलते बहुत से मल्टीनेशनल कंपनी जैसे नाइकी, एप्पल, फोल्सवैगन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग की सेटअप करी चाइना में। सन 1980 में चाइना की एफडीआई थी 0.06 बिलियन डॉलर, 2021 में 333 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई। इस सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी सरकार ने बहुत फोकस किया, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया, साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च को भी बहुत अधिक फोकस किया। डिंग ने क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, 8 लाख चाइनीज की रिसर्च के लिए एनर्जी प्रोग्राम, कंप्यूटर, ऑप्टिक, स्टैटिक टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जीनेटिक्स और कई सेक्टर में भारी फंडिंग दी जाने लगी रिसर्च के लिए। 2001 में 549 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है बीजिंग में बना जू गुआन कुन साइंस पार्क। 1988 में जो एक हब है टेक्नोलॉजी और रिसर्च का, कई हाईटेक कंपनी के रिसर्च सेंटर हैं, यूनिवर्सिटी यहां आपको देखने को मिलेगा। सन 1999 में इंडिया और चाइना लगभग एक बराबर लाइन में थे। इंडिया का जीडीपी चाइना से कुछ ज्यादा था, इंडिया का 212 डॉलर, चाइना का 983 डॉलर था। इनका बदलाव इतना कमाल का था कि आज के दिन चाइना का जीडीपी पर कैपिटल इंडिया से लगभग 3 गुना है। नई पॉलिसी लाने के लिए हर स्टेज पर टेस्ट करना चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार की गलती ना रहे। चाइना के पीएम शी जिनपिंग को भी डिक्टेटर कंसीडर किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।